दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। अमेरिका और रूस एक दूसरे को लगातार धमकी दे रहे हैं। क्या ये विश्व युद्ध से पहले की आहट है? क्या सच में विश्व युद्ध होने वाला है? क्योंकि हमेशा विवादों में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों के बाद अब रूस को छेड़ दिया है, और पलटवार करते हुए रूस ने अमेरिका को सीधी ही चेतावनी दे डाली है, क्योंकि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोरेंसिक ट्रीटी को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रतिबंधित मिसाइलों को विकसित करता है तो रूस भी ऐसा ही करेगा। Очевидно и всем уже известно, заявление господина Помпео несколько запоздало. Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Ну, самое главное обоснование – это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не представляется. इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नाटो की एक बैठक में घोषणा की थी कि अमेरिका रूसी धोखाधड़ी के कारण 60 दिनों में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोरेंसिक ट्रीटी के तहत अपने दायित्वों को छोड़ेगा। In light of these facts, the United States today declares it has found Russia in material breach of the treaty and will suspend our obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and verifiable compliance. जिसके जवाब में पुतिन ने कहा कि हम वही करेंगे जो आप करेंगे। Какой ответ с нашей стороны? Да простой. Мы тогда тоже будем это делать. Напомню, что уже в этом году, по-моему, Конгресс США до объявления о выходе США из этого договора выделил деньги на НЕОКРы по созданию этих ракет. गौर हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोव ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइलों को समाप्त करने के लिए 8 दिसंबर 1987 को संधि की थी। इसके तहत दोनों देशों को अपनी कुछ मिसाइलों को नष्ट करके उनकी संख्या निश्चित करनी थी। बताया जाता है कि इस संधि के बाद 1991 तक करीब 2700 मिसाइलों को नष्ट किया गया।